तो देख रहे हो कि अंधेरा हो चुका है एकदम, मतलब तो अंधेरे के अंदर भी कार्यक्रम हो रहा है। रूपा भाई देख रहे हैं मतलब कि पूरी रात पड़ गई है, मतलब तो रात में भी आप लोग वितरण कर रहे हो अलग अलग जगहों में। जो गरीब लोग हैं मजदूरी करके रात को लेट आते हैं, सब कपड़े और मिठाई भोजन बांट रहे हैं गरीबों में। कितना 5 से 6 बस्तियों में वितरण होगा? 5 से 6 बस्तियों में वितरण होगा। अंधेरा हो गया उसके बावजूद मतलब सेवा कार्य आप लोग कर रहे हैं। जगदीश भाई क्या मिलता है वास्तव में, मतलब अभी रात के 9-10 बजने वाले हैं, क्या मिलता है वास्तव हमको जो आनंद मिलता है वो आनंद तो करोड़पति को भी नहीं मिलता, वो आनंद हमको ये गरीबों में बांटने में से मिलता है। तो आप देख रहे हो लगातार मतलब इधर पुलाव भर के इन लोगों को दे रहे हैं और आप देख रहे हो सब लोगों को कुछ ना कुछ मिला है। भाई क्या क्या मिला आपको, क्या दिया? पेंट एक बूंदी है, बूंदी है, पेंट शर्ट और पुलाव दे रहे हैं अभी, गर्मा गर्म पुलाव है। तो आप देख रहे हो लगातार संत आसाराम जी बापू के भक्त, अभी करीबन 9 से 10 बजने वाले हैं रात को, अभी ठंड भी इतनी है, तो अभी बापू के भक्त गांव गांव घूम के, बस्तियां बस्तियां घूम के, बापू के भक्त जो सेवा कार्य कर रहे हैं, वास्तव में कोई हिंदूवादी संगठन नहीं करता ऐसी सेवा, संत आसाराम जी बापू के भक्त पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है, आप देख रहे हो चारों तरफ। तो उधर फोर व्हील की लाइट शुरू है, उधर टेम्पो आया है तो टेम्पो की लाइट शुरू है, और बापू के भक्त पूरे इन लोगों में जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं का वितरण कर रहे हैं। आप देख रहे हो उधर भी नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं, गुरुकुल की बच्चे नए कपड़े दे रहे हैं, आप देख रहे हो लगातार नए कपड़ों का वितरण हुआ। तो लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि वास्तव में संत आसाराम जी बापू के भक्तों द्वारा क्या सेवा कार्य हो रहे हैं। पूरे लोग बैठे हुए, लोगों में भोजन बांटा गया, बूंदी का प्रसाद दिया गया, बहनों को साड़ी दी गई और बच्चों को भी कपड़े दिए, एकदम नया मतलब टी शर्ट दिया गया, शर्ट दिया गया। तो देख रहे हो कि लगातार संत आसाराम जी बापू के भक्त अलग अलग बस्तियों में घूम के उनको जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं का वितरण कर रहे हैं। तो जो साइज मतलब साइज वाइज इन लोगों को कपड़े दिए जा रहे हैं, आप देख रहे हो, देख रहे हो पूरा लेडीज ड्रेस है, रूपा भाई दिखा रहे हैं एकदम नया ड्रेस है, आप देख रहे हो पूरा ड्रेस है, मतलब चुन्नी भी है, पूरा ड्रेस मतलब बच्चों में बांटा गया हुआ है। तो अलग अलग वस्तुओं का संत आसाराम जी बापू के भक्त आप देख रहे हो लगातार वितरण कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो अंधेरा हो गया है, अभी एक गांव से दूसरे गांव में अलग अलग बस्तियों में मतलब घूम के बापू के भक्त गरीब लोगों की आप मदद कर रहे हैं। आप देख रहे हो लगातार ये साड़ियों का वितरण हो रहा है, साड़ी बांटी जा रही है, अभी अंधेरा हो चुका है मतलब। तो बापू के भक्त अलग अलग बस्तियों में जाके मतलब आज लगभग 5 से 6 बस्तियों में कार्यक्रम होगा। आप देख रहे हो पूरा अंधेरा हो चुका है अभी, तो भी बापू के भक्त इन लोगों को कपड़ों का वितरण कर रहे हैं। आप देख रहे हो लगातार साड़ियों का वितरण हो रहा है, आप देख रहे हो साड़ी बांटी जा रही है, इन लोगों में साड़ियों का वितरण हो रहा है। आप देख रहे हो कि आप देखो ये ड्रेस बांट रहे हैं, ये ड्रेस है, नेहरू भाई ये क्या है, ड्रेस है, ड्रेस ये ड्रेस है सर, एम साइज के बहनों के अलग अलग साइज के, आप देख रहे हो लगातार ड्रेस ये वितरण हो रहा है। आप देखो ये ड्रेस बट गए, उसके पहले आपने देखा साड़ियों का वितरण हुआ था, ये ड्रेस बांट रहे हैं। आप देख रहे हो बूंदी भी दी गई, अभी थोड़ी देर में पुलाव, आप देख रहे हो टी शर्ट है, टी शर्ट नहीं एकदम नई टी शर्ट है, नई टी शर्ट बांटी जाएगी, इसमें क्या है बच्चे, लेडीज है, अच्छा लेडीज ड्रेस है, आप देख रहे हो। तो लगातार मतलब अलग अलग साइज के अलग अलग कपड़ों का वितरण हो रहा है, पर आप देख रहे हो इनके फटे पुराने कपड़े, आप देखो पूरा ये फटा पुराना कपड़े है इन लोगों के, तो ये बापू के भक्त इनको नए कपड़े दे रहे हैं। देखो साइज देख रहे हैं इनको आएगी कि नहीं आएगी, और साइज के कपड़े इन लोगों को दे रहे हैं। आप देखो लगातार मतलब टी शर्टों का वितरण, कितनी खुशी है उनके चेहरों पे, आप देख पा रहे हो। तो लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है, सूरत से करीबन 20 से 22 किलोमीटर दूर सायण सूरत हाईवे पे कार्यक्रम हो रहा है। आप देख बच्चों में भी कपड़े बांटे गए, आप देख रहे हो शर्ट का वितरण हो रहा है, शर्टें बांटी जा रही है, आप देख रहे हो साइज देख के कपड़े बांटे जा रहे हैं। आप देख रहे हो पूरी लाइन है यहाँ पे, सब लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ भाई लोग बैठे, एक तरफ महिला है, बच्चे है, मतलब काफ़ी भारी संख्या में उधर भी लोग है। तो आप देख रहे हो उधर पूरा टेम्पो भर के लाए हैं, तो लाइट की यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो दोनों गाड़ियों मतलब एक गाड़ी है फोर व्हील की गाड़ी, उधर टेम्पो है, तो लाइट शुरू की हुई है कि अंधेरा ना हो। और आप देख रहे हो पूरा सामानों का वितरण हो रहा है गरीब बस्तियों में। तो बापू करीबन 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन बापू इन गरीब लोगों का ख्याल रख रहे हैं,
बापू इन गरीब लोगों तक मददें पहुंचा रहे जोधपुर जेल में बैठे बैठे। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि वास्तव में बापू के भक्त क्या सेवा कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चा आया है, शर्ट है, देख रहे हो टी शर्ट भी है, शर्ट भी है। तो ये शर्ट आप देख रहे हो, शर्ट दे रहे हैं इन लोगों में, नई शर्ट है आप देख रहे हो। उधर भी आप देख रहे हो छोटे बच्चों के कपड़े, आप देख रहे हो छोटे बच्चों के कपड़े आपको दिखा रहे हैं हम लगातार, छोटे बच्चे के कपड़े आप देख रहे हो, छोटे बच्चों के कपड़े बांटे जा रहे हैं आप देख रहे हो। तो लगातार संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत, सूरत गुरुकुल के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। आप देख रहे हो बच्चे को भी कपड़े दिए गए, आप देखो। तो लगातार एक सेवा कार्य बापू के भक्तों के द्वारा जा रही है। आप देखो छोटा सा बच्चा है तो उसको भी कपड़े दिए गए, कितनी खुशी है। आप देखो उधर भी बच्चे को देखो कपड़े दिए गए, मतलब लगातार बापू के भक्तों द्वारा ये सेवा कार्य निरंतर जारी है। आप देख रहे हो सूरत गुरुकुल का ये बच्चा है, देखो ये शर्ट पहना रहा है, शर्ट पहना रहा है आप देखो, एकदम नया शर्ट है आप देख रहे हो, कितनी चेहरे पे कितनी खुशी है आप देखो, कितनी खुशी है आप देख रहे हो। और एक आप देख रहे हो कि लगातार पहले कपड़ों का वितरण हुआ, उसके बाद गुंदी बाटी गई और पुलाव का वितरण हो रहा है। आप देख रहे हो गर्मा गर्म पुलाव इन लोगों को बांटा जा रहा है। आप देखो हर किसी को कुछ न कुछ वस्तु दे रहे हैं बापू के भक्त। देखो ये राम नाम जाप करवा रहे हैं, भगवान का नाम के साथ साथ इनको भोजन प्रसादी भी बांटी गई, कैलेंडर भी बांटे गए नए साल के और कपड़े भी बांटे गए। और आप देख रहे हो पूरा अंधेरा है बस्ती में, लाइट नहीं है, तो इधर टेम्पो है, टेम्पो की लाइट लगा दी गई है, मतलब चालू कर दी गई है। उधर फोर व्हील है तो फोर व्हील की लाइट चालू कर दी, मतलब थोड़ा प्रकाश पड़े। तो बापू के भक्त ऐसी जगहों पे भी पहुंचते हैं, मतलब जहां गरीब भी है, जहां जरूरतमंद लोग है, वैसी जगहों पे बापू के भक्त पहुंच के इन गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। तो लगातार हम हमारी चैनल के माध्यम से साधक परिवार सूरत की माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि वास्तव में संत आसाराम जी बापू के भक्त समाज उत्थान के जो कार्य कर रहे हैं, वास्तव में ऐसी कोई संस्थाएं नहीं करती है। ये करीबन सूरत से 20 से 22 किलोमीटर दूर ही है, बस्तियां पड़ती है, लेकिन यहाँ कोई संगठन नहीं पहुँचता, इनको कोई मदद नहीं मिलती। तो संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत, सूरत गुरुकुल के द्वारा एक कार्यक्रम हो रहा है। देख रहे हो लगातार, मतलब संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत, सूरत गुरुकुल के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। बापू भले 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन बापू के भक्तों द्वारा लगातार ये सेवा कार्य हो रहे हैं। ये सूरत से करीबन 20 से 22 किलोमीटर दूर सायन सूरत रोड पे बस्तियां पड़ती है, यहाँ गन्ने के खेत होते हैं। तो गन्ने के खेत में महाराष्ट्र की बॉर्डर, गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर से ये लोग गन्ना काटने आते हैं। तो इन लोगों को बापू के भक्त जीवन उपयोगी चीज वस्तु दे रहे हैं। तो लगातार हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि वास्तव में बापू के भक्त क्या कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि जो लोग है बापू को गलत बोलते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो जाए कि वास्तव में संत आसाराम जी बापू गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं जोधपुर जेल में बैठे बैठे।